आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। मुसलमानों के आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी कई मांगों को लेकर सितारगंज के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को एक ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समुदाय का त्योहार ईद मिलादुन्नबी 19 अक्टूबर को है, लेकिन उससे पहले 18 अक्टूबर की रात जलसा और 19 अक्टूबर की सुबह जुलूस मोहम्मदी जामा मस्जिद से शुरू होते हुए नगर के किच्छा मार्ग, खटीमा बाईपास मार्ग और बाजार के अंदर खटीमा मार्ग से गुजरते हुए ईदगाह पर समाप्त होता है। इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते हैं। आज इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंप कर कहा कि मांगों पर कार्यवाही करने हेतु अभी नगर पालिका प्रशासन को निर्देशित करने की कृपा करें। ईद उल मिलादुन्नबी का जो पर्व हर साल मुस्लिम समाज का मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, इसको लेकर सौंपा है क्योंकि 18 अक्टूबर को जो है इसका जलसे का कार्यक्रम रात में जामा मस्जिद के सामने चलाए थे। उसके बाद यहीं से जामा मस्जिद चौराहे से 19 अक्टूबर को सुबह जो है जुलूस निकलेगा जो हर साल निकलता है और सभी मार्गों के बाजार में होते हुए जो है ईदगाह पे आकर उसका समापन होता है। तो हमने इसमें मांग की है एकदम साहब से कि इसमें जो मार्ग है जहाँ पे गंदगी है उसको सफाई करी जाए और जहाँ ये आवारा पशु जो घूमते रहते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं रोका जाए और बड़ी गाड़ी जो प्रवेश होता है बड़ी गाड़ियों का उन पर जब तक जुलूस ना निकले बाजार से पूरा खतर ना हो जाए उसका जो है प्रतिबंध किया जाए तब, क्योंकि अभी कल ही एक दुखद हादसा हुआ है जिसका हमें बहुत ही दुख है और उस पर कई लोग जो है 16 लोग जो है तो कुचल के गए कार से, श्रद्धालु लोग जो है इनकी मौत हुई, इस पर हम काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं और बहुत ही दुखद है वो। और इसीलिए हमने मांग करी है कि यहाँ पे भी ऐसी कोई अराजकता या ऐसी घटना ना घटे, इसलिए जुलूस के समय बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बनने जो है प्रतिबंधित किया जाए। आज जो हमने अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन सौंपा है वो आज हमारा जो जुलूस मोहम्मदी जो त्यौहार आ रहा है 12 रबीउल अव्वल और उस आधार पे जो आज यहाँ हमारे शहर में जहाँ तहाँ गंदगी हो रही है उस गंदगी को साफ सफाई के लिए, बाकी जो पशु जानवर घूम रहे हैं उनको थोड़ा सा हटाने के लिए, बस इसीलिए। मुस्लिम समुदाय आपका आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल होते हैं जिसके लिए जुलूस निकलते समय मार्गों पर बड़े बड़े भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाना, मार्गों पर पूर्ण रूप से सफाई होना और बाजार में आवारा घूमने वाले जानवरों को रोका जाना बहुत जरूरी है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।